मॉर्निंग गाइस फ्रॉम सिलीगुड़ी। एंड अभी के बज रहे हैं, कितना बज रहा है आज? सात अभी बज रहे 7:18। तो मैं फ्रेश हो गया एकदम, अच्छे से बात बात ले लिया, कल जो बहुत टायर्डनेस था सारा निकल गया। तो भाई बाथरूम में वो फ्रेश हो रहा है, अजय मेरे सामने पीछे बैठ के अभी मोबाइल चला रहा है। ये है और सनराइज़ दिखाता हूँ आपको यहाँ से, जो कि सनराइज़ हो चुका है, बहुत बढ़िया सनराइज़ हुआ है और हमारी कार्स वहाँ खड़ी है। आज का प्लान यही है कि सबसे पहले यहाँ से जाएंगे सर्विस सेंटर, गाड़ी दिखाएंगे। गाड़ी दिखाने के लिए इधर से बगल में 2.5 किलोमीटर में सर्विस सेंटर महिंद्रा का, उसको दिखाएंगे। फिर क्या सिचुएशन होता है उसके बाद हम लोग गुवाहाटी निकल जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने, 8:30 बजे ब्रेकफास्ट चालू होगा तो वो करेंगे, देन मिलते हैं आपसे रोड में उसके बाद। तो गाइस टॉप फ्लोर में आए थे हम लोग चेक करने टेरेस, बट हम लोग को दिखा नहीं, बट एक चीज़ ज़रूर दिखा है, ये देखिए माउंटेन आपको दिख रहा होगा, एंड इधर पे देखिए वाइट पहाड़ है। यदि आप थोड़ा दूर पे देख रहे हैं तो ये स्नो कैप लग रहा है मेरे को, और ये देखिए पहाड़ पूरा ग्रीनली, गजब। सॉरी दोस्तों, मुझे यहाँ पर वीडियो रोकना पड़ा। मुझे पता है आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, बट मुझे मेरे पास जो वीडियो फुटेज थे इसके बाद के सारे मिसप्लेस हो चुके हैं। सो इसके आगे आगे का जो सीनरी है वो मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताऊंगा। जैसे आपको पता है कि इसके पहले मैंने होटल में ही बोल दिया था कि यहाँ से अपने महिंद्रा के सर्विस सेंटर जाएंगे। तो महिंद्रा में सर्विस सेंटर जाने के बाद उन लोगों ने बताया कि हम लोग के पास स्पेयर पार्ट्स नहीं है और गाड़ी सर्विस करने में दे विल टेक 1 to 1.5 months, एंड कुछ सर्वि स्पेयर पार्ट उनको के पास है कुछ नहीं है, और जो जो नहीं है वो देखिएगा इस लिस्ट में। मैंने यहाँ पर मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप देखिएगा क्या उनसे कौन से स्पेयर पार्ट्स है या नहीं है। तो वहाँ पर एक सुजीत भाई करके थे जो कि हमारे गाड़ी के टेक्नीशियन थे, मैकेनिक। वो मेरे को बोले कि आप एक काम करो, यहाँ से चल जाओ महिंद्रा के जेन्यून स्पेयर पार्ट्स के शोरूम में, यहाँ से थोड़े से बगल में ही है, 2 किलोमीटर के डिफरेंस में, आप जाके देखिए उनके पास सारे स्पेयर पार्ट्स शायद से मिल जाएंगे, तो हो सकता है। अब क्या है, हम लोग चले गए उसके पास, तो उनके पास ऑलमोस्ट 90% स्पेयर पार्ट्स थे। बाकी एक स्पेयर पार्ट जो कि बाद में मिल जाता हम लोग को, वो काम करते करते मिल जाएगा। अब उन्होंने हम लोग को एक लोकल टेक्नीशियन भी दिया, मैकेनिक जो भी उनको दिया, वो बोले कि आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिए एंड ये आपके गाड़ी को रिपेयर कर देंगे कम खर्चे पे। तो हम लोग ने वही सोचा, तो हम लोग ने क्या किया कि गाड़ी को वहाँ पर उनको दिया नहीं, गैरेज नहीं किया, बल्कि गाड़ी हम लोग लेके चले गए। बट जो स्पेयर पार्ट्स था वहाँ हम लोग ने महिंद्रा के जेन्युइन स्पेयर पार्ट से खरीद के वो डायरेक्ट दे दिया टेक्नीशियन को। टेक्नीशियन का नाम रतनदा था, उनको हम लोग ने सारा स्पेयर पार्ट्स खरीद के उनको दे दिया। वो पीछे से अपना काम करते रहे, फिटिंग विटिंग डेंटिंग पेंटिंग जो करना था कर लिए, और हम लोग जब लौटेंगे ट्रिप करके वो बस जस्ट फिटिंग कर देंगे तो अपना गाड़ी भी रेडी हो जाए। तो हम लोग का यही प्लान था। तो हम लोग ने 30,000 का स्पेयर पार्ट्स खरीदा एंड 5,000 रुपये टेक्नीशियन को काम करने के लिए दिया। फाइनल पेमेंट आफ्टर वर्क तो जब हो जाएगा सारा तब हम लोग पेमेंट करें, ये हम लोग का प्लान था। तो हम लोग ने ऐसा ही किया एंड सब चीज़ बराबर उसी हिसाब से किया। तो जो गाड़ी का खर्चा जो मेरे को पड़ा टोटल मीन्स आफ्टर मतलब ट्रिप एंड करने के बाद, वो 50,000 के करीब पड़ा। एंड तो यहाँ से मेरा वीडियो अब कंटिन्यू होता है आगे के लिए। दोस्तों गुवाहाटी के लिए निकल चुके हैं एंड मैं शोरूम गए थे गाड़ी दिखाने के लिए, तो शोरूम में बोले कि पार्ट्स नहीं है और आज होगा नहीं,
तो उसी चलते हम लोग ने एक महिंद्रा के ओटोस पार्ट्स से हम लोग ने सारा पार्ट्स ले लिया और एक लोकल मैकेनिक को दे दिया जो कि हमारे आने तक वो पार्ट्स रेडी कर देंगे एंड फिटिंग करके हम लोग घर निकल जाएंगे। तब तक इसको चलाएंगे और कुछ पार्ट्स हम लोग ने चेंज कर दिए, जैसे ग्रीन ब्लैक लुकिंग ग्लास हमने लगाया है इधर, तो ये चेंज कर लिया है और अभी रोड पे है लंच करने के लिए रुके हुए हैं। तो अभी बज रहा है 2:10 एंड दूर जाना है बहुत, 500 किलोमीटर, 410 किलोमीटर और है गुवाहाटी। सो रात तक पहुँचेंगे 10 बजे तक, सो तब तक के लिए रास्ते में बने रहिए। पहाड़ देख के यहीं से ठंडा लग रहा है क्या? बहुत जोर से ठंड निकल रहा है नाक से, है ना? ये बादल है अजय का पोपट हो गया। बादल है, बादल है, बर्फ लगा। हाँ वो बादल है, बर्फ नहीं है, इतना नीचे बर्फ थोड़ी आऊंगा। मैं तैयार हूँ स्टार से, सॉलिड से। रियालीस का फूल, 46 का फाला, बूढ़ी टर्जे वाले तेरा मुंह काला। आ पहुँचे हैं असम देवासीस होटल चिरांग। यहाँ से और 180 किलोमीटर है गुवाहाटी और पूरा चाँद निकला हुआ है। वहाँ पर आपको चाँद दिखाते हैं, चाँद निकला हुआ है और पूरा रास्ते में हाईवे तो बढ़िया है, एकदम रिटो टॉप है, बट कोई भी लाइट और दुकान शॉप बहुत मुश्किल से मिल रहा है। हमारी गाड़ी यहाँ पर है, देवासीस होटल। तो सो फार सो गुड,
रोड भी बढ़िया है, मस्ती आ रहा, मजाक कर रहे हैं और थोड़ी देर में गुवाहाटी पहुँचेंगे। गुवाहाटी पहुँच के फिर आपसे होटल में बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों 81 रुपीस डीजल है, अब बंगाल में 90 रुपीस गवर्नमेंट कमाने के बाद, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। तो सारा पेट्रोल डीजल जितना है बढ़ा लेंगे यहीं पर, और गाड़ी चकचका के दौड़ रही है। What follows is a brief construction montage. We hope you enjoyed this brief construction montage. दोस्तों गुवाहाटी पहुंच गए हैं और आप मेरे चेहरे से देख के बता सकते हैं कि मैं कितना टायर्ड हूँ। आज के दिन बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा कुछ किया। सो अभी हम लोग होटल पे हैं, होटल ले लिया है, होटल हेरिटेज गेस्ट हाउस जो कि पल्टन बाजार में है एंड ठीक ठाक रूम है, बाथरूम भी सही है, रेट भी बजट भी है, सब चीज़ बढ़िया है एंड गाड़ी नीचे पार्किंग भी मिल गया है। तो मेन बात यह है कि रूम मिल गया है और हम लोग का परमिट भी हो गया है कल अरुणाचल प्रदेश जाने का एंड गाड़ी का आधा काम हो भी गया है। तो हम लोग को सिलीगुड़ी निकलते निकलते 12:30 बज गया था क्योंकि गाड़ी का काम होना हो कर रहे थे। वहाँ पर सब पेमेंट वेमेंट करके सब चीज़ का प्रोसेसिंग करवा के हम लोग वहाँ से निकल गए और हम लोग गुवाहाटी इन किए हैं। करीब करीब पहुँच गए थे 10:30-11 तक, होटल खोजने में टाइम लगा। हम लोग पल्टन बाज़ार में हैं अभी, तो यहाँ पहले भी मैं आ चुका हूँ, सेकंड टाइम ही है। आज का जर्नी आज हेक्टिक था जर्नी, पहले गाड़ी का काम करा फिर हम लोग इतना लॉन्ग रूट लेके आए, बट रोड वॉज गुड, रोड वॉज मच 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 बेटर देन यस्टरडे और डीजल प्राइस इज ऑल्सो लोअर देन द वाट वी हैड इन कोलकाता। कोलकाता में 91 है डीजल, यहाँ पर 81 है, सामने 81 डीजल, सो और पेट्रोल 94 है। तो हम लोग ने ये डीजल लिया एंड कल हम लोग अरुणाचल के लिए निकल जाएंगे। तो हम विल बी हेडिंग फर्स्ट बालमपुर, देन विल बी क्रॉसिंग द दिरांग एंड बॉम्डिया। तो कल मिलते हैं आपसे जर्नी में एंड यही है जर्नी, राइड सेफ एंड ऑलवेज लुक आफ्टर योर पीपल एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू आर एंजॉयिंग माय वीडियो। थैंक यू।